तो DCEU से रिलेटेड ये प्रोबेबली मेरी लास्ट वीडियो होने वाली है। ऑब्वियसली फ्यूचर में DCEU की बातें होती रहेंगी, और जैसा कि आपने टाइटल और थंबनेल में देख ही लिया होगा, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं DCEU की एक्साइटिंग शुरुआत से इसकी समवट अंडरवेलमिंग एंडिंग के बारे में। सो विदाउट फर्दर अडू, लेट्स डू दिस। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट, फ्यूचर में इसी तरह के वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। तो DCEU के बारे में डिस्कस करते हुए हमें इसके राइवल MCU के बारे में भी बात करनी होगी, क्योंकि इनका पुराने टाइम से फुल ऑन कंपटीशन और कंपैरिजन होता आया है। इवन दो रिसेंट टाइम्स में मूवीज के डिपार्टमेंट में भले ही मार्वल ने फुल ऑन डोमिनेशन दिखाई हो, बट कॉमिक्स, एनिमेटेड शोज और गेम्स के मामले में DC ने भी डोमिनेट किया है। तो MCU की शुरुआत हुई थी 2008 में आई मूवी आयरन मैन के साथ, और इस मूवी ने मार्वल और सुपर हीरो जॉनरा की गेम चेंज कर दी थी। ये क्रिटिकली और कमर्शियली काफी सक्सेसफुल रही, और यहीं से शुरुआत हुई एक कोहेसिव मूवी यूनिवर्स की, जिसका नाम पड़ा MCU, जो बेस्ड था मार्वल कैरेक्टर्स पे। वहीं दूसरी ओर DC भी फुल थ्रॉटल पे काम कर रहा था। 2008 में रिलीज हुई आज तक की बेस्ट कॉमिक बुक बेस्ड मूवीज में से एक द डार्क नाइट, ये द डार्क नाइट ट्रिलॉजी की मूवीज का सेकंड पार्ट था, और इसका तीसरा पार्ट द डार्क नाइट राइजेस रिलीज हुआ 2012 में, आयरन मैन के 4 साल बाद। अगेन दिस वॉज अ ग्रेट मूवी, बट इस टाइम तक DC किसी भी शेयर्ड यूनिवर्स के बारे में नहीं सोच रहा था। और वहीं 2012 में MCU की तरफ से आई दी एवेंजर्स, जो अपने टाइप की पहली मूवी थी जहां एक बड़ा क्रॉसओवर इवेंट होने वाला था और एक फुल सुपर हीरो टीम अप करते हुए हमको दिखने वाली थी। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इस अवेंजर्स मूवी से पहले इसके लिए एक प्रॉपर बिल्डअप हुआ था 5 मूवीज के साथ, जिस वजह से दी एवेंजर्स मूवी को एक प्रॉपर बेस, हाइप और हाई स्टेक्स मिली, और लोगों में इसके लिए काफी इंटरेस्ट जनरेट हुआ। अब आते हैं DC पे। 2012 तक DC मार्वल से ऑलमोस्ट 4 से 5 साल पीछे हो चुका था, उनका कोई प्रॉपर यूनिवर्स नहीं था, और MCU की हाइप और कमर्शियल सक्सेस को देखकर वार्नर ब्रोस, जिनके पास DC के राइट्स थे, उन्होंने भी MCU की तरह एक शेयर्ड यूनिवर्स क्रिएट करने के बारे में सोचा। इस यूनिवर्स की शुरुआत हुई 2013 में आई मूवी मैन ऑफ स्टील के साथ, एंड DCEU वॉज बॉर्न। ये मूवी बेस्ड थी सुपरमैन पे। इसमें सुपरमैन को प्ले किया है हेनरी कैविल ने, और इसे डायरेक्ट किया था जैक स्नाइडर ने। अब जैक स्नाइडर की इस मूवी को लेकर एक अलग अप्रोच थी, ये पास्ट आइटरेशन से ज्यादा डार्क और ग्रिटी मूवी थी। रिलीज के बाद इस मूवी को मिक्स रिव्यूज मिले, जहां क्रिटिक्स के अकॉर्डिंग ये मूवी एवरेज थी, बट फैंस को ये मूवी बहुत पसंद आई, उन्हें ये अलग और सीरियस टेक पसंद आया, दे वॉन्टेड मोर। वहीं बॉक्स ऑफिस पे भी मूवी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, और ये कमर्शियली भी काफी सक्सेसफुल रही, और इस तरह DCEU के लिए एक बेस रेडी होना शुरू हो गया था। इसके कुछ टाइम बाद 2014 में DCEU का एक 10 मूवीज का स्लेट अनाउंस हुआ। अब इस स्लेट में मैन ऑफ स्टील का सीक्वल और जस्टिस लीग की 2 मूवीज भी अनाउंस हुई, इन्हें भी जैक स्नाइडर ही डायरेक्ट करने वाले थे। इसके बाद DCEU की तरफ से 2016 में आया एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट, एक मेगा क्रॉसओवर इवेंट, जिसमें हमको DC के सबसे बड़े नाम बैटमैन और सुपरमैन देखने को मिलने वाले थे, और ये प्रोजेक्ट था बैटमैन वी सुपरमैन डॉन ऑफ जस्टिस। अब बेन एफ्लेक का बैटमैन, हेनरी कैविल का सुपरमैन, और यहाँ तक कि गैल गैडोट की वंडर वुमन भी इस मूवी में होने वाली थी। नथिंग कुड गो रॉन्ग, राइट? बट अनफॉर्चुनेटली इट डिड। क्रिटिकली ये मूवी डिजास्टर साबित हुई, फैंस के अकॉर्डिंग भी ये मूवी काइंड ऑफ मिड थी। कमर्शियली इस मूवी ने 800 मिलियन प्लस ग्रोस किए, बट कंसिडरिंग कि इस मूवी में सुपरमैन और बैटमैन जैसे बड़े नाम थे, इस मूवी ने कमर्शियली भी थोड़ा बिलो एक्सपेक्टेशंस परफॉर्म किया। वो मार्था वाला मीम याद है ना, वो भी इसी मूवी की देन है। तो इस मूवी के डिजास्टर साबित होने के पीछे के मेन रीजन थे इसका कॉन्वोल्यूटेड प्लॉट और कॉम्प्लेक्स नैरेटिव, जिसकी वजह से ऑडियंस इस मूवी को लेकर काफी डिवाइडेड थी। ऑल्सो इस मूवी के लिए एक प्रॉपर बिल्डअप भी नहीं था। हमको अभी तक बैटमैन की कोई इंडिविजुअल मूवी देखने को नहीं मिली थी, और ना ही वंडर वुमन की। उन्हें डायरेक्ट इतने बड़े लेवल के क्रॉसओवर इवेंट में इंट्रोड्यूस किया गया, जिस वजह से ऑडियंस इन कैरेक्टर से उतना कनेक्टेड नहीं थी, और इसी तरह शुरू हुआ DCEU के हिट और मिस का रोलर कोस्टर। इसके बाद नेक्स्ट मूवी थी 2016 में ही रिलीज हुई सुसाइड स्क्वाड, जिसके डायरेक्टर थे डेविड आयर। अब इस मूवी के रिलीज होने से पहले ही प्रॉब्लम्स शुरू हो चुकी थी। डॉन ऑफ जस्टिस की नेगेटिव रिसेप्शन के बाद WB स्टूडियोज पैनिक मोड में आ गया था, और इस वजह से स्टूडियो प्रेशर में आकर डेविड आयर को इस फिल्म के कई रीशूट्स करने पड़े और स्टोरी में कई चेंजेस लाने पड़े, और इसका रिजल्ट ये हुआ कि सुसाइड स्क्वाड एक हग्गू मूवी निकल के आई। आई मीन इट वॉज ट्रैश। ऑल्दो कमर्शियली इस फिल्म ने अच्छा किया, बट इट वॉज बैड टू बी ऑनेस्ट। इस मूवी को स्टूडियो इंटरफेरेंस और क्रिएटिव डिफरेंसेस ने किल कर दिया था, ऑल थैंक्स टू वार्नर ब्रोस। बट इसके बाद एक बार फिर DCEU ने कमबैक किया एक बहुत ही अमेजिंग और वन ऑफ द बेस्ट DCEU फिल्म्स के साथ। 2017 में वंडर वुमन रिलीज हुई, जो क्रिटिकली और कमर्शियली बहुत सक्सेसफुल रही। इसे डायरेक्ट किया था पैटी जेंकिंस ने, और ये बिग स्क्रीन पे बहुत ही अच्छे तरीके से वंडर वुमन के कैरेक्टर को लेकर आई थी। गैल गैडोट ने भी एज वंडर वुमन बहुत ही अच्छा काम किया, और एक बार फिर लग रहा था कि DCEU ट्रैक पर है। बट हर बार की तरह इस
बार भी कुछ गड़बड़ होने वाली थी और वो गड़बड़ थी 2017 की जस्टिस लीग। इट वॉज अ डिजास्टर। इस फिल्म ने ऑलमोस्ट सिंगल हैंडेडली DCEU को डिस्ट्रॉय कर ही लिया था। अब हुआ यूं कि ओरिजिनली इस मूवी को डायरेक्ट कर रहे थे जैक स्नाइडर। ये होने वाला था अभी तक का DCEU का बिगेस्ट क्रॉसओवर इवेंट। जैक ने फिल्म की शूटिंग कंप्लीट की बट पोस्ट प्रोडक्शन से पहले उन्हें सफर करनी पड़ी एक फैमिली ट्रेजेडी, जिस वजह से उन्हें ये प्रोजेक्ट छोड़ना पड़ा। अब जैक स्नाइडर को रिप्लेस करने के लिए WB लेकर आए जॉस वीडन को, जो कि MCU की दी एवेंजर्स को डायरेक्ट कर चुके थे। अब इस इंसान से बेटर जैक स्नाइडर को कौन ही रिप्लेस कर सकता था, राइट? रॉन्ग। इट टर्नड आउट टू बी अ बैड डिसीजन। जॉस वीडन ने जस्टिस लीग की स्टोरी में कई चेंजेस किए, इसके कई रीशूट्स हुए और जॉस वीडन ने इस मूवी की टोन को कम्प्लीटली बदल के रख दिया। ये जैक स्नाइडर के डार्क और ग्रिटी स्टाइल से टोटली ऑपोजिट थी। इसका टोन बिल्कुल लाइट और कलरफुल हो चुका था। बैटमैन जैसे सीरियस कैरेक्टर को एक जोक बना के रख दिया था। अब इस लाइट और कलरफुल टोन को लोग ज्यादा MCU से जोड़कर देखते हैं और जैक स्नाइडर ने DCEU को एक डार्क टोन का टच दिया था। अब ये तो हो गई मूवी में चेंजेस की बात। अब इसके अलावा जॉस वीडन और जस्टिस लीग की कास्ट के बीच ऑनसेट प्रॉब्लम्स भी चल रही थी। स्पेशली गैल गैडोट और रे फिशर के साथ जॉस वीडन के मिसबिहेव की काफी बातें सामने आई थी। अब फिल्म रिलीज होते ही इसे क्रिटिकली काफी पैन किया गया। कमर्शियली भी ये फिल्म अंडरवेलमिंग रही और ये DCU का लोएस्ट पॉइंट कंसिडर किया जा सकता है। अब इस पॉइंट तक जैक स्नाइडर DCU को छोड़कर जा चुके थे, बट ऑनलाइन एक न्यूज सर्कुलेट होने लगी कि WB स्टूडियोज के पास जस्टिस लीग का ओरिजिनल जैक स्नाइडर वाला वर्जन भी पड़ा है। ऑनलाइन कम्युनिटीज में इस वर्जन का नाम पड़ा स्नाइडर कट और हर सोशल प्लेटफॉर्म पे एक हैशटैग ट्रेंड होने लगा, रिलीज द स्नाइडर कट। अब इस हैशटैग का उस टाइम पे तो कोई असर नहीं पड़ा, बट इसका असर कब पड़ा उसके बारे में वीडियो में आगे बात करेंगे। फिलहाल वापस आते हैं टॉपिक पे। अब जस्टिस लीग DCEU के लिए एक बड़ा सेटबैक था। इसके बाद DCEU का कमबैक हुआ बैक टू बैक दो अमेजिंग प्रोजेक्ट्स के साथ, 2018 में एक्वामैन और 2019 की शज़ैम। इन दोनों ही मूवीज में थोड़ा टोनल शिफ्ट था और ऑडियंस और क्रिटिक्स ने इन मूवीज को पसंद किया। ऑल्सो एक्वामैन ने तो कमर्शियली भी काफी अच्छा परफॉर्म किया, इसकी बॉक्स ऑफिस कमाई $1 बिलियन से ज्यादा की रही। तो अब इन दोनों प्रोजेक्ट्स के बाद लग रहा था कि DCEU ट्रैक पर वापस आने लगा है। बट अब तक तो आप लोग ये पैटर्न समझ ही गए होंगे कि जब जब DCEU कुछ अच्छा करता है उसके बाद उनका हगना भी जरूरी है। ऑल्सो इन दो अच्छे प्रोजेक्ट्स के बाद 2020 में दो कचरा प्रोजेक्ट्स हमें परोसे गए, बर्ड्स ऑफ प्रे और वंडर वुमन 1984। DCEU फैंस दुखी और फ्रस्ट्रेटेड थे। अब वापस आते हैं अपनी रिलीज द स्नाइडर कट वाली बात पे। तो ऑनलाइन लगातार DCEU फैंस रिलीज द स्नाइडर कट हैशटैग को ट्रेंड करवा रहे थे और फाइनली WB ने फैंस की बात सुनी और एक अच्छा डिसीजन लिया। दे डिसाइडेड टू रिलीज द स्नाइडर कट। बस एक ही प्रॉब्लम थी, स्नाइडर कट एक कंप्लीट मूवी नहीं थी, इसका CGI और एडिटिंग भी कंप्लीट नहीं था। तो WB ने जैक स्नाइडर को वापस बुलाया और एडिशनल 70 मिलियन भी प्रोवाइड किए। जैक स्नाइडर ने मूवी कंप्लीट की और इसे रिलीज किया गया HBO मैक्स पे। एंड गेस व्हाट, फैंस सही थे, इट वॉज अ गुड मूवी। जैक स्नाइडर का इस मूवी को लेकर विजन फैंस और क्रिटिक्स को बहुत पसंद आया, बट इट वॉज टू लेट नाउ। जैक स्नाइडर बस अपने इस अधूरे सपने को पूरा करने के लिए एक आखिरी बार वापस आए थे। ऑल्सो WB भी उनके विजन को लेकर फुली ट्रस्ट नहीं दिखा रहे थे और ये मूवी DCEU का पार्ट नहीं थी, इट वॉज नॉट कैनन। इसके बाद 2021 में जेम्स गन की द सुसाइड स्क्वाड रिलीज हुई। ये सुसाइड स्क्वाड का काइंड ऑफ सॉफ्ट रिबूट था। इट वॉज अ गुड मूवी, ये फनी थी, ब्रूटल थी और इंजॉयबल थी, बट कमर्शियली ये उतना ज्यादा प्रॉफिटेबल नहीं रही। इसके बाद अपर मैनेजमेंट में आए कुछ बड़े चेंजेस। वार्नर ब्रोस और डिस्कवरी का 2022 में मर्जर हुआ। नए CEO डेविड ज़ेस्लाफ ने बड़े चेंजेस अनाउंस किए। वो चाहते थे DCU का एक रीसेट। अब इस रीसेट के बारे में आगे बात करेंगे। 2017 की जस्टिस लीग के बाद हेनरी कैविल DCEU से लगभग बाहर हो चुके थे। वो जैक स्नाइडर के जस्टिस लीग के रीशूट्स के लिए वापस आए थे, बट जैसा कि मैं बता चुका हूं, वो मूवी DCEU का पार्ट नहीं थी। अब DCEU को रिवाइव करने के लिए एक और कोशिश की गई ब्लैक एडम के साथ। अब इस मूवी में ब्लैक एडम को प्ले किया आपने द रॉक या ड्वेन जॉनसन ने। ऑल्सो इसके पोस्ट क्रेडिट सीन में एक बहुत बड़ा रिटर्न था हेनरी कैविल का। हेनरी कैविल ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे भी ऑफिशियली अनाउंस कर दिया कि वो रिटर्न कर रहे हैं एज सुपरमैन। DCU फैंस खुश, बट अनफॉर्चुनेटली ब्लैक एडम बॉक्स ऑफिस पे कोलैप्स कर गई। इतनी हाइप के बाद भी वो ओवर बजट होने की वजह से प्रॉफिटेबल नहीं रही। अब वापस आते हैं डेविड ज़ेस्लाफ के रीसेट वाली बात पे। वो इस काम के लिए हायर करते हैं जेम्स गन और पीटर सेफ्रैन को, और इनके हायर होने के कुछ दिन बाद आती है हेनरी कैविल की तरफ से एक और पोस्ट, और वो ये थी कि वो अनफॉर्चुनेटली एज सुपरमैन रिटर्न नहीं करेंगे। इसकी वजह ये थी कि उनके रिटर्न की बात WB से जेम्स गन और पीटर सेफ्रैन के आने से पहले हुई थी, बट जेम्स गन के आने के बाद ये बदल गया क्योंकि वो एक नई डायरेक्शन में जाना चाहते थे। तो इस वजह से हेनरी कैविल को बाहर होना पड़ा। ये चीज इशारा था एक नए DC की तरफ, एक रीबूट की तरफ। और ट्विटर और इंस्टाग्राम पे भी जेम्स गन ने ये बात क्लियर कर ली थी कि DC अब एक रीबूट की तरफ जा रहा है।
फैंस कंफ्यूज्ड और डिसअपॉइंटेड थे। फिर जनवरी 2023 में जेम्स गन ने रिवील किए इस नए डीसी को लेकर प्लान्स। इसका नाम होने वाला था डीसीयू और इसे डब्ल्यूबी से अलग एक सेपरेट डीसी स्टूडियोज मिलने वाला था और इसके सीईओ जेम्स गन और पीटर सेफरन होने वाले थे। अब टाइम में वापस जाकर देखें तो इस रीबूट की अनाउंसमेंट की टाइमिंग थोड़ी गलत थी। अभी शज़ाम फ्यूरी ऑफ द गॉड्स, द फ्लैश और एक्वामैन 2 आना बाकी थी, बट सिंस अब डीसीयू का रिबूट अनाउंस हो गया था एस डीसीयू, तो फैंस के इन फिल्म्स को देखने का कोई मतलब नहीं रह गया और शज़ाम फ्यूरी ऑफ द गॉड्स और द फ्लैश बॉक्स ऑफिस पे पिट गई। इसके अलावा ब्लू बीटल भी बॉक्स ऑफिस बॉम्ब साबित हुई, बट इसे जेम्स गन ने डीसीयू में रखने का डिसाइड किया क्योंकि ये काइंड ऑफ एक स्टैंड अलोन मूवी थी जिसमें डीसीयू का कोई रेफरेंस नहीं था। और फाइनली डीसीयू का एंड हुआ 2023 के एंड के साथ जब एक्वामैन 2 रिलीज हुई और करंटली ये मूवी थिएटर्स में है और फिलहाल इसने ब्लैक एडम के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को भी बीट कर लिया है। तो ये थी पूरी कहानी डीसीयू की, द कंप्लीट राइज एंड फॉल ऑफ डीसीयू। तो यार फाइनली हम कह सकते हैं कि रश डेवलपमेंट, स्टूडियो इंटरफेरेंस, प्रॉपर विजन ना होना, टोन में इनकंसिस्टेंसी, क्रिटिकल रिसेप्शन, एमसीयू से कॉम्पिटिशन और फ्रीक्वेंट डायरेक्टोरियल चेंजेस डीसीयू के फॉल का रीजन बने। बट इस वीडियो को हम थोड़ा पॉजिटिव नोट के साथ एंड करेंगे क्योंकि ऑल होप इज नॉट लॉस्ट। डीसी फैंस के पास लुक फॉरवर्ड करने को डीसीयू है जो सुपरमैन लेगेसी के साथ किक ऑफ करेगा 2025 में। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। फ्यूचर में इसी तरह की वीडियोस, रिव्यूज, मूवीज एंड सीरीज एक्सप्लेनेशंस और पॉप कल्चर रिलेटेड कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। सी यू इन द नेक्स्ट वन।